अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम देखने जा रहे हैं जी हाइड्रोपॉलिटिक्स पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। हाइड्रोपॉलिटिक्स टेंशन ना लें, इग्नोर कर दें। इंडिया का चांद पे उतरना ये हमारे सीएसएस में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ इंडिया की तारीफ करके पेपर में कोई सवाल नहीं आना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आ गया तो बड़ी बात है। तो ये सब हाइब्रिड वॉर का नतीजा है। आप लोगों इस चांद पे इसको जाने को जो है वो से आपको के दिलों में पाकिस्तान आर्मी के लिए नफरत पैदा करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है जी। इंडिया की तरक्की से मुतल्लिक कुछ भी पढ़ना शैतानी अमल है, ये काफरों का अमल है। इसको पढ़ना भी हराम है और इसको पढ़ाने वाला भी काफिर है। इसका आपके सीएसएस पर कोई जो है ना वो असर नहीं पड़ना। हाँ, इंटरव्यू में जहां वो आपसे ओपिनियन पूछ सकता है, इंटरव्यू में कि बताएं कि पाकिस्तान जो है वो इस सैटेलाइट की जो कंपटीशन है और इसकी जो रेस है इसमें कहां तक पहुंचा है और आगे कहां तक जाएंगे। इंटरव्यू में आपसे आपकी ओपिनियन ले सकता है। 20 नंबर का सवाल, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं। तो आप अपनी जो है वो इससे किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेनी आप। हाइड्रोपॉलिटिक्स जी, हाइड्रोपॉलिटिक्स ये आपके बेसिकली विद इन द कंट्री जो वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं प्रोविंसेस के दरमियान उससे रिलेटेड है, सही जी। तो इसको समझना फिर बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हम अगर 19th सेंचुरी को देखें तो ब्रिटिशर्स ने पंजाब में कैनाल कॉलोनाइजेशन का आइडिया शुरू किया, नहरी निजाम बनाया पंजाब का और पंजाब में सेटलमेंट्स आबादकारियां की, खास तौर पर उस वक्त के वेस्टर्न पंजाब में। वेस्टर्न पंजाब जो आज जिसमें आप मौजूद हैं इसमें तो 3-4 ही बड़े इलाके थे बस, लाहौर था, मुल्तान था,
ठीक है, जो पुराने ट्रेडिंग रूट्स थे, इनसे आगे तो ये सारा एक डिफेंसिव नेचर का इलाका था, पिकेट्स थी, छोटे छोटे किले थे, भेरा का, उच्च शरीफ का नीचे, ये तो एक डिफेंस लाइन थी हमेशा से, यहाँ कोई बड़ी फसलें और कोई, ठीक है जी, ऐसी कोई चीजें नहीं थी। तो ये कैनाल कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइज किए, नए शहर बनाए, नए इलाके डेवलप किए, उनमें लोगों को सेटलमेंट की, एग्रीकल्चर पर्पस के साथ लोगों को लैंड्स एलोकेट की, एलोकेशन की, और ये इतना बेहतरीन निजाम था कि हम देखते हैं कि 19 सेंचुरी में ही टोटल जो ब्रिटिश रेवेन्यू था एग्रीकल्चर का, उसका 75% सिर्फ पंजाब से ब्रिटिश लेते थे। इस कैनाल कॉलोनाइजेशन से पहले इस पूरी इंडस जो रिवर सिस्टम है, इसके पानी का सबसे ज्यादा फायदा सिंध के लोग लेते थे। डिफरेंसेस बनने शुरू हुए तो 1905 में हम देखते हैं कि एक पहला एग्रीमेंट हुआ जिसको कहते हैं कर्जन कमीशन। कर्जन कमीशन में यह फैसला हुआ कि पंजाब 30% ऑफ इट्स वाटर फ्लो वो सिंध को अलाउ करेगा, देगा 30% पानी, यानी पंजाब में जितना भी पानी आएगा उसका 30% वो सिंध को देगा। 1905 में ये एग्रीमेंट, सही, लेकिन जाहिर है 1905 से ऑनवर्ड्स 1945 अगले चार डेकेड्स ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया वो पंजाब पर बहुत ज्यादा मेहरबान रही है, क्योंकि पंजाब से आर्मी में भी लोग मिलते रहे, पंजाब से जनाब लॉयल पॉलिटिशियंस भी मिलते रहे, पंजाब से रेवेन्यू भी सबसे ज्यादा मिलता है। तो डिफरेंसेस सॉर्ट आउट नहीं होते। सिंध की तरफ से एक एक्विजिशन तो ये आती है कि हमें 30% पानी नहीं मिल रहा, दूसरा ये कि न्यू कैनाल्स बनाई जा रही हैं और पंजाब में रिवर्स का पानी जो है उनको रोका जा रहा है, उनका रुख मोड़ा जा रहा है, उनको डाइवर्ट किया जा रहा है कैनाल्स बना के, लिंक कैनाल्स बना के, एक दरिया का पानी दूसरे के साथ कनेक्ट करके, लिंक कैनाल्स। तो सिंध के जो डिफरेंसेस हैं वो तो पाकिस्तान बनने से पहले के मौजूद। सो हम देखते हैं 1945 में एक दफा फिर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है जी, जिसको कहते हैं पंजाब सिंध एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत अगेन ये बात तय हुई कि 30% पानी सिंध को प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस पंजाब किसी भी तरह की लिंक कैनाल्स सिंध की मर्जी के बगैर नहीं बनाएगा। 1945 का बड़ा मशहूर एग्रीमेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही पार्टीशन हुई, छोटा टॉपिक है लेकिन हाइड्रोपॉलिटिक्स की हमारी नेचर क्या है उसको ये क्लियर करता है टॉपिक। पार्टीशन हुई और पार्टीशन के इमीडिएटली बाद 47-48 में खास तौर पर जो साउथ ईस्टर्न पंजाब के इलाके हैं इनका पानी रोक लिया इंडिया ने, सही जी, कि आप जनाब पानी आपकी तरफ हम देंगे, पैसे दें, बड़ा मशहूर केस है। फिर
तब हम पानी रिलीज करें। तो अगर आप ये अपना रिवर सिस्टम बना लेना इस तरह, तो ईस्ट के रिवर्स का पानी रोक दिया। तो क्या किया जाए, क्योंकि पंजाब के इस साउथ ईस्टर्न पट्टी सारी की सारी वाटर स्ट्रेस होना शुरू होगी। तो यही होगा ना कि बाकी रिवर्स का पानी फिर इस तरफ को उसको और ज्यादा बेहतर कनेक्ट किया जाएगा, इन इलाकों को पानी दिया जाए, जिससे अल्टीमेटली नीचे सिंध को फिर इश्यूज होंगे। ठीक है जी। तो ईस्टर्न पंजाब में काफी ज्यादा इशू बने। 1950s में फिर ये एफर्ट्स होनी शुरू हुई कि इंडिया को रोका जाए कि वो आइंदा नेक्स्ट टाइम इस तरह पानी ना रोके, इस तरह की सिचुएशन नेक्स्ट टाइम ना हो। इसमें फिर वर्ल्ड बैंक ने अपना रोल प्ले किया और 1960 में हुई इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है जी। अब ये बड़ी जरूरी है हमारी हाइड्रोपॉलिटिक्स को समझने के लिए। इस ट्रीटी में ये मेंशन किया गया, इंडस, जेलम एंड चेनाब, ये जो तीन रिवर हैं, किसी का ज्यादा है किसी का कम है, लेकिन ऑन एवरेज 70% वाटर इंडिया हर हाल में इन तीन रिवर्स का वो पाकिस्तान को इंश्योर करेगा, फ्लो ऑफ द वाटर 70%। सही। साथ इन पर लिमिटेड स्मॉल एंड मीडियम रेंज के प्रोजेक्ट्स भी वो लगा सकता है, बना सकता है। प्लस ये कि जो ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलुज, ब्यास, इन रिवर्स पर ये 100% इंडिया को दे दिए गए। यानी आपको फिर टेक्निकली फायदा क्या हुआ इस एग्रीमेंट का इस कॉन्टेक्स्ट में कि इंडिया साउथ ईस्टर्न एरियाज का पानी ना रोके, तो आपने तो 100% दे दिया। सही। मीनिंग देर बाय कि आपको 1960s में फिर अपने वेस्टर्न रिवर्स को लिंक करना है अपने ईस्टर्न पंजाब के एरिया से, जिसके लिए फिर लिंक कैनाल्स का बनाना इनएविटेबल होगी। अब जब आप ये लिंक कैनाल्स बनाएंगे तो टेक्निकली फिर ये वायलेशन हो जाएगी 1945 के सिंध पंजाब एग्रीमेंट की। ठीक है जी, समझ आती है जी। यहां से फिर बुनियादी तौर पर आपके हाइड्रोपॉलिटिक्स के इश्यूज डेवलप होने शुरू हुए। ये फिर इश्यूज परसिस्टेंटली चलते रहे 70s में, 60s में, 80s में। इसी इंडस वाटर की इसी प्रोविजन से आपको ये मालूम पड़ गया कि आपको अपने वेस्टर्न रिवर्स पर डैम्स की भी जरूरत है, ताकि आप अपना वाटर स्टोर भी कर सके। तो आपके तमाम बड़े डैम वेस्टर्न रिवर्स पे बने, मंगला, तरबेला। ठीक है, बहुत बाद में फिर आपके जो बैराज भी बने हैं आफ्टर पार्टीशन, वो ज्यादा आपके वेस्टर्न रिवर्स पर बने। इन चारों सारी चीजों ने स्लोली एंड ग्रेजुअली सिंध की तरफ से आने वाले प्रोटेस्ट्स हर दौर में वो बढ़ते रहे कि यार ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। हमें तो 1945 के एग्रीमेंट के मुताबिक 30% पानी देना
जरूरी है। ठीक है जी। अभी जो एक्विजिशंस हैं, जो एलिगेशंस हैं, उसके तो बाद में बात करेंगे, लेकिन डिफरेंसेस बढ़ते गए और अल्टीमेटली हमें फिर एक न्यू एग्रीमेंट 1991 का होता नजर आया, जिसको कहते हैं इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी बनाई गई ना जी, इरसा। इरसा में फैसला हुआ, टोटल पानी का फैसला हुआ कि जो फ्लो है, वाटर फ्लो, पंजाब उसका 37% इस्तेमाल करे, सिंध उसका 37% इस्तेमाल करेगा, सही है जी, बलूचिस्तान उसका 12% इस्तेमाल करेगा, और उस वक्त का NWFP, आज का KP, 14%, क्योंकि इंडस रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज तो काबुल और कुनहार और बाकी जो दरिया वो केपी से होके आते हैं जी, वो भी तो ट्रिब्यूटरीज ही हैं इंडस रिवर सिस्टम की। तो आप इनको टोटल कर लें तो 100% वाटर, यानी आपको जितना पानी पाकिस्तान में आ रहा है रिवर सिस्टम से, उसकी ये डिवीजन ये अब नहीं हो गया, यानी 1945 वाला एग्रीमेंट खत्म और इरसा आ गया। ठीक है जी। अब एक सूबा जो 1947 से 1991 तक ये एक्विजिशन कर रहा है कि मुझे 30% भी नहीं मिल रहा, वो 1991 से लेके आज तक फिर ये आर्ग्यू कर रहा है कि मुझे 37% नहीं मिलना, डिफरेंस तो जा रहा है, बनना ही बनना। तो अब देखते हैं फिर कि ये दो जो बड़े सूबे हैं, इनके दरमियान ये जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है, इनके क्लेम्स क्या हैं, इनकी एक्विजिशंस क्या हैं, सिंध क्या आर्ग्यू करता है। सिंध का बड़ा आर्गुमेंट ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी जब 1960 में की गई तो सिंध, एक सेकंड जी,
जी माजरत, एक कॉल आ गई थी, मेरा आज एक जगह पे मीटिंग होनी थी तो कल उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। जो मैं आप लोगों को, अल्लाह करे कल मामला सेट हो जाए। अच्छा जी, सिंध का अब क्लेम ये है कि इंडस वाटर ट्रीटी में हमारी पार्टिसिपेशन, हमारा इनटेक तो लिया ही नहीं गया, हमें ऑन बोर्ड ही नहीं लिया गया। और ट्रीटी कर ली गई, एक इंटरनेशनल आपने दूसरे कंट्री के साथ ट्रीटी कर ली और हमें ऑन बोर्ड लिया ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान एक फेडरेशन है, उस फेडरेशन में उसकी जितनी भी उसकी इकाइयां हैं, जितने यूनिट्स हैं, उनको तो ऑन बोर्ड लें कि उनके क्या व्यूज हैं, किस तरह की ट्रीटी करनी चाहिए, उनके क्या इंटरेस्ट हैं। तो हमें तो बिल्कुल ही ऑन बोर्ड नहीं लिया गया जी। ठीक है जी, उसके बाद जनाब धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस वो बनाए गए, हमारा पानी रोका गया। सही, तो एक तो ये बड़े आर्गुमेंट्स जो हैं वो हमें सिंध की तरफ से जो है वो मिलना शुरू हुए कि भाई ये मसाइला हमें, हम इनका शिकार हुए। पंजाब की तरफ से जो फिर रिस्पॉन्स है वो बड़ा मजेदार है। ठीक है जी, पंजाब के रिस्पॉन्स सुन के आपको लगता है कि फिर ये जो हाइड्रोपॉलिटिक्स है पाकिस्तान की तारीख में ये अभी खत्म नहीं हो सकती। पंजाब का रिस्पॉन्स है कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में पंजाब को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पाकिस्तान ने ये ट्रीटी की तो उसमें तो हमें भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। दूसरा, 1960s में देयर वॉज नो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन पाकिस्तान, देयर वॉज अ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो 1960s में जो डैम्स बनाए गए, जो बैराजेस शुरू किए गए, जो पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन का आइडिया इनिशिएट किया गया, वो तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान ने किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने किसी भी तरह 1945 के एग्रीमेंट की वायलेशन नहीं की। कैसा है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ब्लेम करना ये इरेशनल है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये समझ आ रही? प्लस पंजाब की टेरिटरी बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस हुई है इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जब डैम बनता है तो डैम की सराउंडिंग में फिर थाउजेंड्स ऑफ एकड़ लैंड वो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कंड्यूसिव नहीं रहती। तो जनाब हमें भी नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन ऑफ लैंड हुई है, इरिगेटेड लैंड। सही, प्लस इन डैम्स और इन इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे क्या सिर्फ पंजाब फायदा उठा रहा है, वो तो पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड का हिस्सा बनता है। ये सिर्फ हमारे पे ना डाले ना जी सारी चीजें। ठीक, सिंध आर्ग्यू करता कि पंजाब में बहुत बड़ी तादाद में वाटर थेफ्ट करवाया जाता है, इट्स अबाउट 16 मिलियन एकर फीट पानी पंजाब में चोरी करवाया जाता है, जो रिपोर्ट नहीं किया जाता, अनरिपोर्टेड है। और फिर जो रिपोर्टेड वाटर है, जो रिपोर्ट होता है, उसका भी हमें 37% नहीं मिलता।
यानी एक तो चोरी भी कर लेते हैं और फिर उसको पानी जो बाकी रिपोर्टेड पानी होता है कि जी उसमें जा रहा वो 16 मिलियन एकड़ फीट शामिल नहीं होता, और जो रिपोर्टेड पानी उसका भी 37% हमें नहीं देते। खास तौर पर सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब के इलाकों में जहां शुगर केन और राइस की बहुत ज्यादा, तो यहां अनइंटरप्टेड सप्लाई दे रहे होते, ठीक है जी। सो इस पानी को अगर रिपोर्टेड हो जाए तो उसके अकॉर्डिंगली फिर 37% शेयर बनेगा ना जी हमारा, तो हमारा शेयर भी बढ़ जाएगा। हमें तो जो ऑलरेडी कम शेयर है उसका भी पूरा नहीं दे रहे, हमारे से ज्यादा कर, ठीक है जी। पंजाब का व्यू आता है कि हमें ये बताएं कि सखर बैराज से कोटरी बैराज इसके दरमियान जो वाटर चैनल का डिस्टेंस है वो लगभग 300 से 315 किलोमीटर के दरमियान है। इस 300 से 315 किलोमीटर का जो वाटर चैनल है सारा, इस पैच में 8 मिलियन एकड़ फीट पानी अनरिपोर्टेड है, वो कहां जा रहा है? आपको जो पानी सखर पे मिलता है उससे कोटरी तक जो जाता है उसमें 8 मिलियन एकड़ फीट पानी रिपोर्टेड नहीं है, वो कहां पे है? तो चोरी तो आपके यहां हो रही है, आप अपने पानी को मैनेज नहीं कर पा रहे। सो हेंस दोनों सूबे एक दूसरे पर वाटर थेफ्ट के इल्जाम लगाते हैं, ठीक है। भाई बात फिर ये है कि इन दोनों सूबों में, पंजाब में भी और सिंध में भी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ वाटर होती है। दोनों सूबों के लैंडलॉर्ड्स वो वाटर को यूज करते हैं अपने वोट बैंक के लिए, अपने ओपोनेंट्स का पानी बंद करवाते और अपनी सपोर्ट के जो विलेजेस हैं उनको अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई इंश्योर करवाते, ठीक है जी। सो पानी को अपनी पर्सनल सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल फार्मर मजबूर हो जाता है इनको सपोर्ट करने पर, क्योंकि अगर इनके अगेंस्ट जाएगा तो फिर उसको डीजल चलाना पड़ेगा, तो मजबूर। इसीलिए पंजाब और सिंध से ही ये 60% जो आपकी पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं ये ज्यादा ऐसे लैंडलॉर्ड्स ही हैं जो कि पंजाब और सिंध से, अब वो चाहे सेनेट में हो, चाहे प्रोविंशियल असेंबलीज में हो, चाहे नेशनल असेंबलीज में हो, मिला के। सो ये कभी नहीं चाहते कि सिंध और पंजाब के वाटर इश्यूज परमानेंटली सॉल्व हो, क्योंकि परमानेंटली सॉल्व होने में फिर ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो वाटर को यूज कर रहे होते उनकी तो पॉलिटिक्स ही सारी प्रॉब्लम में चली जाएगी। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये जो क्लास है लैंडेड क्लास, इसके वेस्टेड इंटरेस्ट के ये इशू को पॉलिटिसाइज तो किए रखते हैं पर उसको सॉल्व नहीं करवाना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी तो पॉलिटिक्स ही सारी खत्म हो जाएगी। सो करने की क्या जरूरत है? तो पहली स्टेज पे तो ऑफकोर्स आपको इंडिया से अपना वाटर शेयर, उस पर डायलॉग की जरूरत है, क्योंकि वो
आपको आपका ड्यू शेयर इंडिया दे, क्योंकि जितना वो शेयर देगा फिर उसी का डिवीजन होनी है ना जी, 37% पंजाब, 37% सिंध, यू नो। सेकंड स्टेज में एक न्यू एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड, इरसा 2.0 सूबों के दरमियान उसकी जरूरत है। वाटर थेफ्ट को रोकने की जरूरत है और इमीडिएट बुनियादों पर आपको न्यू डैम्स की जरूरत है। हमारी तारीख में डैम्स भी पॉलिटिसाइजेशन का ही शिकार रहे हैं, जिस तरह कालाबाग का डैम इंतहाई वो पॉलिटिक्स का जो है वो शिकार रहा है। तो कालाबाग तो अब एक क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है, ये वंस फॉर ऑल एक क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है। कालाबाग दोबारा बनेगा इस पे दोबारा डिबेट नहीं, ये क्लोज्ड ट्रांजैक्शन है, ये जेहन में रखिए मुकम्मल तौर पर। सो इस चीज को जो है वो जेहन में रखें कि ये क्लोज ट्रांजैक्शन है और इसका इसको इसको कोई डिबेट में लाने की अब जरूरत नहीं मुकम्मल तौर पर। सो हम पानी की सियासत करते हैं, एक मसला है, एक प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम पे सियासत करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो 60% जो आपकी पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी। अगर आप में से कोई इंटीरियर सिंध से या सदरन पंजाब से है तो पानी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, मैं एक दफा साउथ का एक लैंडेड एलीट घराने का एक स्टूडेंट हमारा बन गया, उसने हमें एक बड़ा अल्टरनेटिव व्यू भी दिया जो ऑफिशियली आपको रिसर्च डॉक्यूमेंट्स में नहीं मिलता। दरेशक फैमिली से था लड़का, तो उसने एक बड़ा अल्टरनेटिव व्यू दिया। उसने कहा, सर हमारी मजबूरी है, छोटा किसान, छोटा फार्मर जिनके बागात हैं वो हमारे से पूछते हैं कि भाई हम तुम्हें वोट क्यों दें, तुमने हमें कौन सा पानी मुहैया करवा दिया, जो हमें पानी सही फ्री मुहैया करवाएगा वही हमारा चौधरी है, उसी को वोट देना हमें। तो कहता, सर हमारी मजबूरी है, हमें फिर इरिगेशन वालों के साथ मिलके बाकी ये वो छोटे किसान को, छोटी आबादियों को पानी अनइंटरप्टेड भिजवाना पड़ता है ताकि वो हमें वोट दें। तो उसने बड़ा अल्टरनेट, ये वैसे रिपोर्टेड तो नहीं है रिसर्च आर्टिकल्स में, नहीं रिपोर्टेड है, लेकिन कहता सर हमारी भी मजबूरी समझे ना। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा आर्गुमेंट, जब हमारे अर्बन एरियाज में भी हम कहते हैं कि हम तुझे क्यों वोट दें भाई, तूने हमारे लिए कौन सी, हमारे बच्चे को नौकरी लगवा दी, हमारा बच्चा पुलिस स्टेशन में था, तू कौन सा छुड़वाने चला गया जी, हमारी स्ट्रीट्स कच्ची हैं, तूने क्या किया हमारे लिए। वो मजबूरन करवाना पड़ता है कैंडिडेट्स को। हालांकि ये उनका काम नहीं है, ये लॉ मेकर का काम नहीं है, लेजिस्लेटर का काम नहीं है कि वो नालियां पक्की कराए, ठीक है जी, सही है जी। सो ये आपस की पॉलिटिक्स है जिस पे अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ इस लैंडेड एलीट ने। सिर्फ आप अपनी वाटर थेफ्ट को एड्रेस कर लें, इससे दो काम होंगे, एक तो ये साबित हो जाना है कि इंडिया आपको आपकी जरूरत का पानी दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि कम दे रहा है तो आप उसको ऑफिशियली प्रूव कर देंगे, और दूसरा ये जो लैंडेड एलीट है इसकी पॉलिटिक्स से आपकी जान छुट जाएगी। हम बुनियादी तौर पर एक प्रॉब्लम में से को और फर्दर प्रॉब्लमेटाइज करके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट पूरे कर,
पंजाब के, अब ये जो दो दोनों आर्गुमेंट ना, एक ये वाला भी और अब ये जो दूसरा मैं बता रहा हूँ, ये पेपर मैंने लिखना लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब पंजाब में जो इरिगेशन के लोग हैं ना, स्टूडेंट्स वगैरह जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये कहते हैं सर हमारी मजबूरी है, हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं। पंजाब के सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ का जो पंजाब का एरिया है, यहाँ पर पानी का इतना ज्यादा यूज है, हमें आंखें बंद करनी पड़ती, नहीं यूज करेंगे फसलें नहीं होंगी। नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, चार पांच डिस्ट्रिक्ट्स हैं मिला के, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की फूड को संभाला हुआ सर, तो हमें आंखें बंद करनी पड़ती हैं, क्या करें हम। और साउथ में तो होता ही पानी चोरी है, यहां सख्ती करेंगे तो यहां भी फिर सख्ती करनी पड़ेगी। यहां तो हमें खुद यानी कि रियासत की तरह से होता है, चलो ठीक है हल्का हाथ रखो, तो अगर इसको रोकने जाएंगे हम तो हमें फिर इसको भी रोकना पड़ेगा। रिजल्टेंटली ओवरऑल पंजाब की पर एकड़ यील्ड कम होगी। ये चार पांच डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की फूड को सहारा दिया हुआ, ये भी इफेक्ट होंगे तो पूरा पाकिस्तान इफेक्ट होगा। तो कहें बड़े मजेदार मजेदार से रैशनल हैं, लेकिन ये दो हम पेपरों में नहीं लिखेंगे, ये व्यूज हैं। जो पेपर में तो हम वही लिखेंगे जो रिसर्च आर्टिकल्स में, न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टेड हैं चीजें। अच्छा, हमने किया है, हमने 2018 की वाटर पॉलिसी, उसमें वाटर अम्बर्समैन का आइडिया भी दिया पानी के इशू पर, मोत से बना के, लेकिन बस कागजों में ही है, प्रैक्टिस में नहीं है। ठीक है जी, सो ये है जी इससे रिलेटेड टॉपिक। ओके जी, कल फिर मुलाकात हो। आप बना लें उसका कॉन्टेक्स्ट। हमने हाइड्रोपॉलिटिक्स डोमेस्टिक जो आपकी है उसको किया, हमने अभी रीजनल टॉपिक्स की तरफ तो गए नहीं ना अभी, अभी तो हम सिर्फ अपने डोमेस्टिक में किया। वाटर का इशू अफगानिस्तान के साथ एक पूरा टॉपिक है, वाटर के इशू इंडिया के साथ एक पूरा टॉपिक है, बोला था टॉपिक्स। वसीउद्दीन खान साहब, ईयरली मिलियंस ऑफ एकर्स आर कमिंग अंडर सी, ये कहां पर, पूरी दुनिया में, एशिया में या पाकिस्तान में? वसीउद्दीन खान साहब, बस कोई नहीं, बस लिख दिया मैं, जो बाकी का खुद ही सोचते फिरते रहेंगे क्या लिखा। मिलियंस ऑफ एकर्स, ओके जी, टेक केयर।